घूमती द्रवंती कल्पम पार्ट 5। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि संयुग का महत्व क्या है, नोमेक्युलेचर ऑफ दी फॉर्मुलेशंस, फिर हमने देखा कि औषध की तीक्ष्णता मृदु और मंद वीर्य में उसमें क्या रोल होता है, वो सब हमने देखा। आगे का हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई हमने स्पेशली विरेचन औषध पिलाया और उसका अयोग हुआ तो आगे जो वैद्य है उसको क्या करना है। पीते प्रस्त्रंसन है, प्रस्त्रंसन जो है वो विरेचन का सिनोनिम है, यानी कि विरेचन औषध पिलाने के बाद दोषात न निहत्य जराम गते, यानी कि दोषों को हरण करे बिना ही जराय कर जरा यानी कि पाचन डाइजेस्ट हो जाना। तो औषध दोषों को निकालने के बिना ही पाचन हो जाती है, तो आगे क्या करना है। वमिते च औषधे धीरम पायेत औषधम पुनः, या फिर जो डाइजेशन हो गया या फिर वो औषध जो है वो वमन होके निकल गई धीर, तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति को या बुद्धिमान वैद्य को पायेत यानी कि पिलाना है औषधम पुनः, फिर से औषध पिलाना है विरेचन के लिए। अब है दीप्ता अग्नि बहुदोषम, जो कोई पेशेंट है उसकी अग्नि कैसी है, दीप्त है, बहुदोषम औषध दोष की जो डोमिनेंसी वो ज़्यादा है। तू दृढ़ स्नेह गुणम नरम, शरीर में स्नेह के कारण दृढ़ता है, दुशुद्धम, लेकिन आपने उसको औषध पिलाया सम्यक संशोधन नहीं हुआ है तो क्या करना है। तद अहम भुक्तम, उस दिन खाना खिला के शो भूते यानी कि दूसरे दिन पायेत पुनः, फिर से औषध पिलाना है संशोधन के लिए। कब? दीप्ता अग्नि और बहुदोष की कंडीशन है और सम्यक संशोधन नहीं हुआ है, तब उस दिन भोजन करा के दूसरे दिन फिर से औषध संशोधन के लिए पिलाना है। अब क्या है, अब ऐसी कंडीशन है दुर्बल व्यक्ति है लेकिन दोष की डोमिनेंसी ज़्यादा है, दोष पाके न्यूनर और दोष की डोमिनेंसी, दोष का प्रकोप होने के कारण खुद ही विरेचन होने लगा है, विरेच्यते, तब क्या करना है। शनि भोजी भूयस्तम अनुसार्य, तब उसको शनि यानी कि धीरे धीरे भोजी यानी कि भोजन भी ऐसा देना है कि जो विरेचन कराए, क्योंकि वो औषध का जो है वो उसकी तीक्ष्णता को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए दुर्बल व्यक्ति को जब दोष का आँक होने से विरेचन खुद शुरू होता है तब उसको सपोर्टिव डाइट देना है कि जो धीरे धीरे विरेचन के द्वारा दोषों को दूर करें। अब कई बार क्या होता है, सम्यक संशोधन नहीं होता है, थोड़ा बहुत दोष शरीर में रह जाता है, तो तब हमें क्या करना है। वमनश्च विरेकश्च विशुद्धश्च अप्रमाणत, यानी कि वमन और विरेचन से संशोधन जितनी मात्रा में होना चाहिए वो नहीं होता है, तब करना है भोजन अंतरपानाभ्याम दोष शेषम समम्नयत, यानी कि आइदर डाइजेशन से भोजन यानी कि डाइट से, अंतरपानम कषाय के लिए, स्पेसिफिकली कषाय के, जैसे कि वमन का सम्यक योग नहीं हुआ है अयोग हुआ है तो हम कफ का शमन करें ऐसा कषाय पिलाएंगे, विरेचन का अयोग हुआ है तो स्पेसिफिकली जो पित्त का शमन करेंगे वैसा कषाय पिलाएंगे, ऐसा करके दोष शेषम शमम नयत यानी कि जो दोष बाकी रह गए उसका शमन करवाना है। अब मृदु संशोधन वो कब करना है। दुर्बलम शोधितम पूर्वम, यानी कि जो व्यक्ति पहले से ही दुर्बल है, शोधितम पूर्वम जिसका संशोधन पहले किया गया है, अल्प दोषम च मानवम या फिर जिसमें दोषों का प्रकोप ही बहुत कम है, तीन कंडीशन बताई, आइधर पेशेंट वीक है, सेकेंड वन जिसका ऑलरेडी पहले संशोधन हो गया है, थर्ड वन जिसमें दोषों का प्रकोप ही बहुत कम मात्रा में है, अपरिज्ञात कोष्ठम, फोर्थ वन है जिसका कोष्ठ हम नहीं जानते हैं। इन सारी कंडीशन में हमें संशोधन के लिए पायेत औषधम मृदु यानी कि मृदु औषध ही पिलाना है। अब लिमिटेशंस ऑफ तीक्ष्ण औषध, तीक्ष्ण औषध आगे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वो ज़्यादा दोष निर्हरण करता है, अच्छा है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस है। श्रेयो मृदव असकृत पित्तम अल्पबाधम, श्रेय यानी कि श्रेष्ठ है कौन, मृदु औषध, क्यों, असकृत पित्तम यानी कि पिनागले के बाद भी, सकृत यानी कि संपूर्ण, असकृत यानी कि अल्प, संपूर्ण रीत से दोष को बाहर नहीं निकलता है, अल्प बाधम बाधा भी अल्प उत्पन्न करता है, निरतियम अत्यय यानी कि व्यापद, निरतिय यानी कि कोई भी व्यापद उत्पन्न नहीं करता, न च अति तीक्ष्ण, लेकिन अति तीक्ष्ण औषध ऐसा नहीं करता है, क्यों, यत क्षिप्रम जनयत प्राण संशय, क्योंकि वो क्षिप्रम यानी कि जल्दी से प्राण का संशय उत्पन्न करता है ज़्यादा दोषों का निर्हरण करके,
इसलिए जब हमें कॉस्ट नहीं पता है, व्यक्ति लीनथीन है, दुर्बल है और जिसका ऑलरेडी संशोधन हो गया है, इन सारी व्यक्ति में हमें वृद्ध औषध यूज करना है। अब दुर्बल आतुर है और उसमें दोष ज़्यादा है तो क्या करना है? दुर्बलो अपि महादोषो, व्यक्ति दुर्बल है लेकिन उसमें दोष की डोमिनेंसी ज़्यादा है तो उसमें विरेचन जब देना है तब विरेच्यो बहुशो अल्पश, यानी कि उसको ज़्यादा बार विरेचन देना है लेकिन अल्प अल्प मात्रा में। तो ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम उसको मृद औषध देंगे, मृद भी भेषजे यानी कि मृद औषध देके उसको ज़्यादा बार विरेचन करा के धीरे धीरे दोषों को निकलना है। भेषजे दोषा हन्यु, ऐसा करके उसका दोषों का निर्णय करना है। क्यों? हन्यु में न अनिधिता, इनके हम उसके दोष को नहीं निकालते तो वो शरीर का नाश कर देगा वो प्रकोपित दोष। इसलिए मृदु औषध से धीरे धीरे उसको प्रकोपित दोषों को शरीर से निकालना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस बताइए कि ऐसा हुआ तो क्या करना है, ऐसी कंडीशंस हुई तो क्या करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सारी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले बताया है यस्य ऊर्ध्व कफ संसृष्टम पीतम, यानी कि जब यस्य, यानी कि यहाँ पे हम विरेचन के कंटेक्स में बात कर रहे हैं लेकिन कई बार क्या होता है यस्य ऊर्ध्व यानी कि ऊपर के मार्ग से निकल जाना, कफ के साथ मिलके पीतम यानी कि पिया हुआ यत्यानुलोमिकन, पिया हुआ विरेचन औषध कफ के साथ मिलके ऊर्ध्व यानी कि ऊर्ध्व मार्ग से निकलने लगा है तब क्या करना है? वमितम यानी कि उसको सम्यक रूप से पहले वमन करा देना है। कवले शुद्धम, उसके पश्चात कर्मों में उसको कवल करवाना है। लंघयितम पायेतुतम, उसके बाद उसको लंघन करवाना है क्योंकि लंघन करवाने से बाकी रहेला कफ जो दोष है वो समन हो जाएगा। पायेतुतम, और उसके बाद उसको विरेचन औषध पिलाना है। विबधे अल्पे चिरात दोषे, कई बार क्या होता है दोष हमने पिलाया लेकिन उसका दोषों का विबंध हो जाता है तो अल्प अल्प मात्रा में चिरात यानी कि बहुत देर से निकलता है दोष, स्त्रवत यानी कि दोष बहुत देर से और अल्प अल्प मात्रा में निकलता है तब हमें क्या करना है? उष्णम पिबेत जलम, तब उसको पेशेंट को उष्णोदक पिलाना है। उष्णोदक पिलाने से क्या होगा? तेना आधमानम तृष्णाम च छर्दी विबंधश्चैव शाम्यते, ऐसा करने से आधमान थ्रस्ट जो फॉल्स थ्रस्ट उत्पन्न हुई है वो, छर्दी यानी कि विरेचन में जो वमन हो रहा है वो, और विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो, उसका सब चीज़ों का शमन हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोष ही औषध को आवृत कर देता है और उसकी इफेक्ट नहीं करने देता है। भेषजम दोष रुद्धम, यानी कि औषध से जब औषध जो है वो दोष से आवृत हो जाता है, चित न ऊर्ध्वम न अध प्रवर्तते, फिर वो ऊर्ध्व मार्ग से या फिर अध मार्ग से यानी कि वमन या विरेचन कुछ औषध नहीं कर पाता है और उसमें साथ में अलग सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं, जैसे स उद्गारम यानी कि बेल्चिंग उत्पन्न करते हैं, स अंगशूलम शूलम शूल यानी कि पेन, तो बॉडी में पेन उत्पन्न करता है या फिर स्टमक एक उत्पन्न करता है, तब हमें क्या करना है? स्वेदम तत्र उच्चारे, तो वहाँ पे हमें स्वेदन करवाना है, स्पेशली यहाँ पे पुक्षी के पार्ट के आसपास में स्वेदन करना है क्योंकि वहाँ पे ही दोष के द्वारा भेषज का अवरोध हो गया होगा। कई बार क्या होता है सुविदिक्त यानी कि सम्यक रूप से विरेचन हो गया है, उसका सम्यक योग का लक्षण मिल गए हैं, लैंगिक की शुद्धि मिल गई है लेकिन क्या होता है स उद्गारम, फिर भी उद्गार आ रहा है और उद्गार में हमें औषध का टेस्ट मिल रहा है, इन दैट मीन्स कि औषध का अभी डाइजेशन नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत औषध बच गई है लेकिन विरेचन तो सम्यक हो गया है। आश्वेव औषधम उल्लेखित, इस कंडीशन में आशु यानी कि एज सून एज पॉसिबल बाकी रहे जो औषध है उसको वमन के द्वारा उल्लेखन यानी कि वमन करके निकाल देना है। ये तो ये कंडीशन हुई कि औषध का अभी तक पाचन नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि औषध का पाचन हो गया और विरेचन का सम्यक योग होने के बाद अति योग के तरफ जा रहा है, ये दूसरी लाइन में बताया अति प्रवर्तनम जीर्ण है यानी कि औषध का पाचन हो गया है और विरेचन का अति योग होने जा रहा है, तब क्या करना है? सुशीते स्तंभयेत पिशक, यानी कि जितने हो सके उतने शीतल उपचार करके विरेचन का स्तंभन करवाना है यानी कि विरेचन को स्टॉप करना है। कई बार क्या होता है कदाचित श्लेष्मणा रुद्धम, कई बार कदाचित यानी कि कई बार श्लेष्म यानी कि कफ के कारण रुद्धम यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। तिष्ठत्य उर्सी भेषजम, तो उर में भेषज रुक जाता है। क्षीणे श्लेष्माणी,
ये भेषज हम यहाँ पे विरेचन की बात कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा कफ का प्रकोप कम हो जाता है। क्षीणे श्लेष्माणि, जब कफ का क्षय होगा तब सायं ही रात्रो व तत्प्रवर्त, तो शाम को या रात को विरेचन के वेग शुरू हो गए। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भेषज रुक गया उम्र में और हमने दूसरा औषधि योग दे दिया तो वो अति योग की तरफ जाएगा, इसलिए ये कंडीशन भी प्रैक्टिकली बहुत मायने रखती है। अब कई बार क्या होता है, रुक्षण, जो व्यक्ति रुक्ष है अनाहार हो, यानी कि जो उपवास करते हैं, चीर्ण यानी कि उसमें जो आप औषध देते हो उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, या फिर विष्टव्य ऊर्ध्व गति वा आप, या फिर रुक के वो ऊर्ध्व ही गति करेगा, वो विरेचन नहीं करेगा क्योंकि उसमें रुक्षता है अनाहार, यानी कि उपवास ज़्यादा किया है, नेचुरली उसमें वात का प्रकोप उसके शरीर में ज़्यादा है, वायु ना पेशजित्व अन्यत्य। तब हमें क्या करना है, स्नेह लवणम पीबे, तो दूसरा जो डोज हम औषध का देंगे विरेचन के लिए उसमें स्नेह और लवण ऐड करना है। स्नेह और लवण दोनों वात का शमन करेगा और विरेचन का वेग शुरू होगा। तो रुक्ष व्यक्ति है जो फास्टिंग ज़्यादा करती है उसमें हमें लवण और स्नेह के साथ ही औषध देना। अब कई बार क्या होता है कि दोष के द्वारा ही भेषज आवृत हो जाता है, जैसे पित्त से भेषज आवृत हो गया, तो हमें जब भेषज का पाचन होगा तब क्या लक्षण मिलेंगे, त्रुट मोह भ्रम मूर्छा, यानी कि तृष्णा मोह भ्रम यानी कि वैटैगो, मूर्छा यानी कि फैंटनिंग, शुद्ध चेत जीरियति भेषज, जब औषध का डाइजेशन होगा तब ये सारे लक्षण मिलेंगे। तो हमें तब क्या करना है, पित्तघ्नम स्वादु यानी कि पित्त का नाश करे ऐसा, पित्त का शमन करे ऐसा, स्वादु शीतम च भेषजम, स्वादु यानी कि मधुर और शीत, भेषजम तत्र शुष्यते, तो ऐसा भेषज दे के हमें पित्त का शमन करना है। सेम वे कफ अवरुद्ध भेषज हो गया, तो जैसा कफ का शमन करे ऐसे औषध देने हैं। तो देखते हैं उसके लक्षण, लाला यानी कि ड्रॉलिंग होना, रल्लास नोजियटिक फीलिंग आना, विष्टम यानी कि उसको जो जकड़ा हुआ फीलिंग आता है, लोमहर्स यानी कि वॉरिसिपिलस, कफ आवृत, जब कफ से आवृत होता है तब ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, तब यहाँ पे विष्टम से स्पेसिफिकली कॉन्स्टिपेशन लेना है। भेषजम तत्र, तो उसकी ट्रीटमेंट में हमें तीक्ष्ण और उष्ण औषध देना है, क्योंकि तीक्ष्ण यानी कि सार्व जो गुण है वो कफ का नाश करेगा, उष्ण भी कफ के शीत गुण को नाश करेगा, कटु आदि यानी कि कटु उष्ण और कषाय, कटु तीक्ष्ण कषाय, वो सारे जो औषध है वो कफ का शमन करेगा, तो वो सारे औषध देके कफ का शमन करना है। अब कई बार क्या होता है, लंघन प्रयोग करना होता है, तो लंघन प्रयोग हमें कब करना है, सुस्निग्ध यानी कि जब जिसका सम्यक रूप से स्निग्ध हो गया है जो पेशेंट, क्रूर कोष्ठ, लेकिन पेशेंट का कोष्ठ कैसा है, क्रूर है, जो लंघयेत विरेचे, तो उसका पहले लंघन करवाने के बाद विरेचन करवाना है, क्यों, तेन अस्य स्नेहज श्लेष्मा संगस्य उपशाम्यति, ऐसा करने से स्नेहन से जो कफ का प्रकोप होगा वो लंघन से शमन हो जाएगा, इसलिए उसको पहले लंघन करवाने के बाद विरेचन देना है। अब कई बार क्या होता है कि विरेचन के पहले हमें अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये कौन सी कंडीशन है कि जब हमें अनुवासन बस्ती देनी पड़े, रुक्ष, जो स्पेसिफिकली पेशेंट रुक्ष है, बहु अनिल यानी कि जिसमें वात की प्रधानता है, क्रूरकोष्ठम, क्रूरकोष्ठी व्यक्ति है वो भी डेफिनेटली वात के प्रकोप वालों को ही क्रूरकोष्ठ होगा, व्यायामशालिनम, जो डेली व्यायाम करते हैं यानी कि डेली अभी के कंटेक्स में देखो तो जिमिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, डेली वर्कआउट करते हो, सारे पेशेंट्स इसमें आएंगे, दीप्त अग्निनाम, जिसकी डाइजेस्टिव फायर ही इतनी पावरफुल है उसमें आपने इनके जो औषध दिया विरेचन के लिए वो क्या करेगा, पेशजम अविरेचे उजीरियति, क्योंकि उसकी फायर की कैपेसिटी ही इतनी है कि उसको डाइजेस्ट कर देंगे, तो इन लोगों को विरेचन करने से पहले तेव्यो बस्ती पूरा दिद्वा, पूरा यानी कि पहले, किसके पहले, विरेचन के पहले उसको बस्ती देनी है, अनुवासन बस्ती, पश्चात दद्यत विरेचनम, और उसके बाद विरेचन देना है, क्यों, बस्ती प्रवर्तितम दोषम, बस्ती देने से दोषों का थोड़ा बहुत प्रवर्तन होगा, बस्ती वात का शमन करेगी, फिर दोषम हरेत शीघ्रम विरेचनम, और विरेचन शीघ्र ही वो दोषों का हरण करेगा।
अब स्नेहन योग्य पुरुष कौन से है, वृक्ष रसना जो डेली वृक्ष भोजन करते हैं, कर्म नित्या यानी कि जो हर रोज लेबर वर्क कर रहे उस कंटेक्स में हम ले सकते हैं, ये नरा दीप्त पावक है यानी कि जो व्यक्ति दीप्त यानी कि जो फायर है वो कैपेसिटी है, और पावक यानी कि अग्नि जिसकी अग्नि दीप्त है वो, तेषाम दोषा क्षय मानति कर्मवात आतप अग्नि भी, इन लोगों का दोष जो होता है वो कर्मवात आतप से ही शमन हो जाता है। जैसे आप सूत्र स्थान में देख गए हो कि अल्प दोष है तो लंघन से शमन हो जाएगा, तो ये लोगों की तो हर रोज़ की एक्टिविटी है कि थोड़े बहुत दोष है उसका क्षय तो कर्मवात आतप अग्नि से ही हो जाएगा। और ये लोग जो विरुद्ध भोजन है, विरुद्ध दर्शन हम किसको बोलते हैं कि जो ये तो उत्कृष्ट दोषम न निरतिकायत, जो दोषों को उत्कृष्ट करता है लेकिन शरीर से नहीं निकल पाता है, वो सारे औषध को हम विरुद्ध आहार बोल सकते हैं, वो सारे आहार को अध्यसनम, अगला वो भोजन नहीं पचा है और फिर से डाइट ले रहे हो तो वो अध्यसन हो गया। चीर्ण दोषानपि सहन्ति च, तो फिर भी ये सारे दोषों को ये लोग सहन कर सकते हैं क्योंकि उसकी अग्नि दीप्त है, तो इसको क्या करना है, स्नेहस्ते मारुतम रक्षा, तो उसका स्नेहन करके हमें सिर्फ उसकी वात की ही रक्षा करनी है क्योंकि वात का प्रकोप होगा तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। न अव्याधोतान विशोध्य, जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक इन लोगों का संशोधन नहीं करना है, सिर्फ उसका संस्नेहन करके वात का शमन रख के उसकी फायर की कैपेसिटी हो वो मेंटेन करनी है। अब संशोधन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, क्योंकि हम सब व्यक्ति को एक जैसा संशोधन नहीं दे सकते, पुरुषम पुरुषम विकस्य ऐसा आचार्य चरक ने बताया और आप लोग विमल स्थान में पढ़ भी गए हैं। न अति स्निग्ध शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम, जो ज़्यादा स्निग्ध शरीर है उसमें हमें स्नेह विरेचन नहीं देना चाहिए। स्नेह उत्कृष्ट शरीराय रुक्षम दद्यात् विरेचनम, यानी कि जो जिस शरीर में स्नेह की अधिकता है उत्कृष्टता है वहाँ हमें रुक्ष विरेचन देना है। एवं ज्ञात्वा विधि, यानी कि ये सब चीज़ जान के विधि पूर्वक धीरो यानी कि बुद्धिमान वेद को देश काल प्रमाण, देश का भी ज्ञान करना है, काल यानी कि जो काल चल रहा है कौन सी ऋतु चल रही है, प्रमाण विधि यानी कि औषध का प्रमाण रोगी का प्रमाण वो जान के, विरेचन विरेचेभ्य यानी कि विरेचन देना है जो विरेचन के योग्य है उसको, प्रयच्छ न अपराधयति, ऐसा करने से वेद कभी अपराध नहीं करता है और सम्यक रूप से विरेचन करवा देता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सम्यक योग, सम्यक योग की क्या महत्ता है, विभ्रंशु विश्वद यानी कि विभ्रंश यानी कि अति योग ले लो या फिर अयोग ले लो, अति योग हो गया तो फिर ज़्यादा मात्रा में दोष को निकाल देगा तो फिर वात का प्रकोप होगा, अयोग होगा तो जितनी मात्रा में मॉर्बिड दोष निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा और शरीर में रहकर और डिजीजेस क्रिएट करेगा, तो वो दोनों विष के समान त्याज्य है। सम्यक योगो यथा अमृतम, अमृत जितना श्रेष्ठ है उसी तरह सम्यक योग श्रेष्ठ है। कालेश्व अवश्यम पेयम, इसलिए योग्य काल में ही औषध पिलाना चाहिए, तस्मात यत्न प्रयोग, इसलिए यत्नपूर्वक ये ध्यान रखना चाहिए, योग्य काल में औषध पिलाया होगा तो वो सम्यक योग ही करेगा। थैंक यू। बाकी का मान परिभाषा और स्नेह परिपात, इस चैप्टर के जो दो टॉपिक बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।